अमित शाह जो इनका गृह मंत्री है वो खुद तड़ी पार है, और जिसके जो तमाम विधायक मंत्री पद है अगर बीजेपी सब पर कार्रवाई करने लगे ना तो बीजेपी में एक भी नेता नहीं बचेगा। बीजेपी पूरी बीजेपी पार्टी जेल के भीतर होगी। सीधा सीधा दिख रही है कि बीजेपी जो सरकार है वो जो आरोपी सांसद है ब्रजभूषण उसको बचाने के लिए पूरी जुट गई है। आज इन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला जो कि देश की आइकन है, तो कल जो इस देश की जो आम महिलाएं हैं आम बहन उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये ऐसी पार्टी है जो पिछले लंबे समय से जो आरोपी हैं चाहे वो चिन्मयानंद हो कुलदीप सिंह सेंगर हो उनको इन लोगों ने बचाने का काम भी किया। और इस नारे का ये मतलब है बेटी बचाओ भाजपाइयों से, बेटी बचाओ भाजपा के इन गुंडों से, इन बलात्कारियों से। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है पूंजीपति है इनके लिए अमृतकाल है, जो आम जनता है महिलाएं हैं इनके लिए ये देश आज नर्क से भी बदतर स्थिति में है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। लगातार प्रदर्शन जारी है, महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं और कुछ युवक आए हैं उनके समर्थन में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये कब तक जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे और कहां से सर कहां से आए। जी हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से आए हैं, मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ, मेरा नाम मंजीत है। तो क्या लग रहा है कि महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? जी महिला पहलवानों को न्याय मिलने की एक शर्त है कि इस देश की जो छात्र नौजवान आबादी है, इस देश के जो मजदूर किसान आबादी है उनको सड़कों पे उतरना होगा पहलवानों के समर्थन में, क्योंकि सीधा सीधा दिख रही है कि बीजेपी जो सरकार है वो जो आरोपी सांसद है ब्रजभूषण उसको बचाने के लिए पूरी जुट गई है, क्योंकि उस सांसद का कई सीटों पर उत्तर प्रदेश में प्रभाव है इसलिए उसको बचाया जा रहा है। तो इस देश की छात्र नौजवान आबादी को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आज इन महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला जो कि देश की आइकन है, तो कल जो इस देश की जो आम महिलाएं हैं आम बहन उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। और स्टूडेंट आबादी को विशेष रूप से इस आंदोलन में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अगर अन्याय कहीं भी होता है उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, न्याय के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो जिन कॉलेजों में हम पढ़ते हैं जहाँ बढ़ती फीसों के खिलाफ हम लड़ते हैं, घटती सीटों के खिलाफ लड़ते हैं, अच्छी बेहतर क्वालिटी मिले एजुकेशन में उसके लिए लड़ते हैं, तो हम भी वो लड़ाई फिर जीत नहीं पाएंगे अगर इन पहलवानों के समर्थन में हम आज खड़े नहीं होंगे। तो मोदी जी जब ये महिलाएं जीत के आती हैं मेडल लेके आती हैं तो ट्वीट करते हैं और इनको प्रोत्साहित करते हैं, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने तो महिलाओं का बहुत सम्मान किया, लेकिन अब एक ट्वीट क्यों नहीं आ रहा? देखिए ये सिर्फ नौटंकी करते हैं, जब पहलवान गोल्ड मेडल जीत के आती हैं तो उनके साथ सेल्फी लेते हैं, दो मिनट भी नहीं लगते, ट्वीट कर देते हैं। लेकिन आपको ये बताया था कि उन्हीं पहलवानों को जो खेल में फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, सिर्फ ये अपना नाम चमकाने के लिए उन महिला पहलवानों को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको लंच वगैरह करवाते हैं। इन लोगों की दोगली राजनीति इस रूप से दिखती है कि पहले तो एक तरफ तो विनेश फोगाट को देश का प्रधानमंत्री बेटी कह के बुलाता है, दूसरी तरफ वही विनेश फोगाट पिछले 3 महीनों से यहाँ पर लड़ रही है, पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पर वो खुले में सोने के लिए मजबूर है, तो उन्होंने एक सिंगल ट्वीट भी नहीं किया है। ये ऐसी पार्टी है जो पिछले लंबे समय से जो आरोपी हैं चाहे वो चिन्मयानंद हो कुलदीप सिंह सेंगर हो उनको इन लोगों ने बचाने का काम भी किया, और इस मामले में भी सीधे सीधे बीजेपी इस आरोपी सांसद को बचाने का काम कर रही है, इनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की नौटंकी की पोल खोल दी है। और भी छात्र हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से जब ये गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पे बैठी हैं तो आम महिलाओं की दशा क्या हो? ये आम महिलाओं की दशा की हकीकत आज पूरे देश भर में एनसीएबी के आंकड़े जब ये बताते हैं कि हर घंटे आठ महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और बलात्कार जैसी घटनाओं में हम यूपी नंबर 1 है, तो सीधी सी बात है कि ये घटनाएं, ये जो महिलाएं यहाँ भी जो पहलवान यहाँ बैठे हैं ये उन घटनाओं का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, उन महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव है जो आज देश भर में यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है, और ख़ास तौर पर भाजपा सरकार जो कि महिला विरोधी है, जो कि पितृसत्तात्मक मूल मान्यताएं इनके पोर पोर में समाई हुई है, इनके विधायक से लेके मंत्री तक बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, चिन्मयानंद जैसे हमारे साथी ने बताया, चिन्मयानंद से लेके तमाम इनके नेता मंत्री, और खुद ये ब्रजभूषण सिंह ये 1992 के दंगों में इसका बहुत बड़ा हाथ था, CBI ने इसको गिरफ्तार किया था, ये VUP का बहुत बड़ा गुंडा है, उसके बावजूद ये इस पद पे क्या कर रहा है? ये भी 2014 के बाद ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आया है बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बीजेपी ने बहुत सही नारा दिया है, और उसने
जैसा नारा दिया उसके अनुरूप काम भी किया है, लेकिन हम इस नारे को गलत तरीके से समझ रहे हैं। इस नारे का ये मतलब है बेटी बचाओ भाजपाइयों से, बेटी बचाओ भाजपा के इन गुंडों से, इन बलात्कारियों से। असल नारा ये है, इस पूरे नारे की हकीकत ये है कि इन बलात्कारियों, इन भाजपा के गुंडों से बेटी बचाओ। और ये नारा असल में जनता को चेतावनी थी जो आज खुले तौर पर दिख रही है। क्या लग रहा है कब तक इन बेटियों को न्याय मिलेगा और बृजभूषण की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज देश की आम जनता जो आपके चैनल के माध्यम से इन चीज़ों को, इन खबरों को देख रही है, आज उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनको न्याय कब तक मिलेगा। आज अगर वो सड़कों पे आएगी, आज आम छात्रों को, नौजवानों को, मजदूरों को, युवाओं को आगे आना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अगर एक बड़ा मूवमेंट हम खड़ा करने में, कर पाने में अगर हम सक्षम होंगे तो बिल्कुल केवल इनको नहीं, देश की तमाम बेटियों को, देश के तमाम महिलाओं को न्याय जरूर मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे आपके चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, जवान ये जवान है, इधर मेडलिस्ट बैठी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि अमृतकाल में हम लोग जी रहे हैं? देश का अमृतकाल है बिल्कुल, मैं इससे भी मना नहीं करूँगा, लेकिन सवाल हम गलत पूछते हैं कि किनके लिए। देश हमारा, हमारे देश कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है, पूंजीपति है, इनके लिए अमृतकाल है। जो आम जनता है, महिलाएं हैं, इनके लिए ये देश आज नर्क से भी बदतर स्थिति में है। तो सीधी सी बात है कि जो आज ये सरकार जिन पूंजीपतियों, जिन धन्ना सेठों के लिए काम करती है, उनके लिए तो ये अमृतकाल ले आती है, लेकिन आम मेहनतकश जनता के लिए, चाहे स्त्री प्रश्न पे हो, चाहे महिलाएं हो, ये इन सबों के लिए ये अमृतकाल तो कतई ही नहीं है। बीजेपी दावा करती है कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा जनता खुशहाल है, तो सर जिस प्रकार से बृजभूषण के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, तो बीजेपी पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करी है जबकि डबल इंजन की दावा करती है सरकार? ये नहीं करेगी ना कार्रवाई, क्योंकि इनको कार्रवाई करनी ही नहीं है। ये इनको कार्रवाई करनी होती तो कब का कुलदीप सिंह सेंगर जेल में होता, कब का चिन्मयानंद जेल में होता, और जिसके जो तमाम विधायक मंत्री पद है, अगर बीजेपी सब पर कार्रवाई करने लगे ना तो बीजेपी में एक भी नेता नहीं बचेगा, बीजेपी पूरी बीजेपी पार्टी जेल के भीतर होगी। तो सीधी सी बात है, अमित शाह जो इनका गृह मंत्री है, वो खुद तड़ी पार है, तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई कार्रवाई करेंगी? ये कार्रवाई तभी कर सकते हैं जब जनता सड़कों पर होगी, इनको कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये छात्र थे, युवा हैं, ये कह रहे हैं कि तभी कार्रवाई होगी जब जनता सड़कों पे उतरेगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।